जवान जय किसान संगठन की ओर से पत्र परिषद का आयोजन कर महामेट्रो में नौकरी भर्ती को लेकर हुए 150 करोड़ रुपए के घोटाले पर जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार द्वारा जानकारी साझा की गई। केंद्र सरकार भर्ती के मानदंड का पालन न करने के कारण की गई सभी नियुक्तियां अमान्य है, अतः पूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की जानी चाहिए और मौजूदा कर्मचारियों को भी भाग लेकर अपनी पात्रता साबित करनी चाहिए। ऐसी मांग जय जवान जय किसान संगठन द्वारा की गई है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि मेट्रो प्रशासन और काम करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ अवैध तरीके अपनाने के लिए अपराध दर्ज किया जाए। नागपुर महामेट्रो नौकरी मध्ये भर्ती 150 कोटी रुपयाचा जो घोटाळा झाले, 150 करोड़ कोटी रुपयाचा जो घोटाळा आम्ही म्हणून राहिलो आहे, यांनी कमीत कमी 600-700 पोस्ट आहे, एका पोस्टचे 30 लाख ते 40 लाख या रेटच्या प्रमाणे जर आपण काढलं तर 250 करोडच्या वर जातं। कारण की या कोणती ॲडव्हर्टाईजमेंट न काढता, कोणता इंटरव्ह्यू न घेता महामेट्रो नागपूरने या लोका या पदवी हा नोकर भरती केलेली आहे आणि त्याचा जर 30 लाख रुपये या प्रमाणे जर आपण रेट पकडला तर तो कमीत कमी 250 करोडच्या जवळ जातो असं आमचं डायरेक्ट यांच्यावर आरोप आहे। महामेट्रो में महिलाओं और विकलांगों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के परिपत्र दिनांक 16 मार्च 1999 में महाराष्ट्र के सभी सार्वजनिक उपक्रमों में 30% आरक्षण प्रदान किया गया है। चूंकि महाराष्ट्र में समांतरण आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए हर नौकरी की भर्ती में प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं को शामिल करना कानून द्वारा अनिवार्य है। लेकिन महामेट्रो द्वारा महिलाओं के लिए 30% समांतरण आरक्षण की अस्वीकृति तथाकथित प्रगतिशील महाराष्ट्र का बहुत बड़ा अपमान है। अहम सवाल यह है कि महामेट्रो ने महिलाओं के अवसरों को नकार कर क्या हासिल किया है। ऐसा कहते हुए आयोजित पत्र परिषद के दौरान प्रशांत पवार द्वारा महिला संगठनों से इस तरह की गंभीर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। दूसरा मंजे महिला 30% म्हणजे महाराष्ट्र सरकार 16/3/1999 जे परिपत्र आहे त्याच्यात सार्वजनिक उपक्रमामध्ये 30% आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे, पण महामेट्रोने 30% आरक्षणाला सुद्धा याच्यातून वगळलेलं आहे, काही पर्सेंटच महिलांना घेतलेला आहे। म्हणजे महिलांच्या आरक्षणाला सुद्धा यांनी याच्यातून डावललेला आहे। म्हणून महामेट्रोचे ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करून यांना या पोस्टपासून वेगळं करावं आणि हे जे लोकांची जी भरती झालेली आहे नोकर भरती, याची परत परीक्षा घेऊन, परत इंटरव्ह्यू घेऊन, रिटर्न एक्झाम आणि त्याचं काय म्हणतात त्याला इंटरव्ह्यू, या सगळ्या लोकांना ताबडतोब काढून ह्या ज्या लोकांनी 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपये देऊन इथे जे अपॉइंटमेंट घेतलेली आहे या सगळ्यांना काढावं अशी आमची मागणी आहे। पत्र परिषद को राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे भी उपस्थित थे। इस दौरान पेठे बोले कि महामेट्रो में भ्रष्टाचार का बड़ा गंभीर मामला है, राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान देकर इसका खुलासा करे ताकि जिन लोगों पर अन्याय हुआ है उन्हें राहत मिल सके। अत्यंत गंभीर आरोप है। शहर ओबीसी आरक्षण का विषय कि मेट्रो का भ्रष्टाचार अतिशय मोठ्या प्रमाणात आपल्या ज्याही महाराष्ट्र सरकारच्या आणि आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो सगळ्या एजन्सीला की आपण ह्या भ्रष्टाचार उघडण्यात यावं, ही एवढीच माझी मागणी आहे। इस पत्र परिषद में जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार, सचिव अरुण वनकर, विजय कुमार शिंदे, TH नायडू और अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।